क्या कहेंगे साहब, ये तो ऊपर वाले की देन है, कभी मद्दा कभी महंगे। अब बारिश हो रही है, बाहर से माल खेतों में सड़ रहा है, दुकानदारों को ने आन के सड़ रहा है, तो सब खाने वाले पे ही पड़ेगा ये बात। वैसे तो कोई महंगाई ना है, ये महंगाई है जो माल खराब होता है, खेतों में खराब हो रहा है, भाड़े में महंगाई है, इसलिए ये महंगाई है। और किचन तो महंगा हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाफ की बात में, और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। मौजूद हैं दिल्ली की ओखला मंडी में। यहां पे बढ़ते सब्जियों के दामों के बारे में जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। आइए मैम, सब्जियों के दामों से कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? क्या दाम चल रहे हैं सब्जी के इस टाइम पे मार्केट में? पता नहीं, मैं नहीं जानता, अभी महंगाई चल रहा है, सब महंगा चल रहा है, सब महंगा चल रहा है। क्या क्या किस चीज़ पे दाम बढ़े हुए हैं? जितना सामान है अभी कोई चीज़ सस्ता नहीं, हर चीज़ महंगाई चल रहा है। टमाटर ही महंगा चल रहा है अभी तो, 60 रुपए। अच्छा। और इसके अलावा अभी पता करने आए हम भी। तो सर कुछ महंगाई है, हम सब सर सब्जियों के दामों को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत तेज है जी। क्या किस किस चीज़ पे दाम बढ़ चुके हैं? सारे बढ़ चुके हैं, तो ओखला मंडी में इतना ठीक है, अगर आप कॉलोनी में जाओ ना यही दुगने में मिलेगा। जी जी सर, क्या दाम चल रहे हैं सब्जियों के? सब्जी का तो बहुत दाम चल रहा है, बड़ा। किस किस चीज़ पे बढ़ गए हैं दाम? आलू है, प्याज है, सब। कितने रुपए किलो हो गया है? 200 रुपए किलो प्याज हो गया। अच्छा। आलू 150-140 धरी चल रहा है। क्या कहेंगे साहब, ये तो ऊपर वाले की देन है, कभी मद्दा कभी महंगे। अब बारिश हो रही है, बाहर से माल खेतों में सड़ रहा है, दुकानदारों को ने आन के सड़ रहा है, तो सब खाने वाले पे ही पड़ेगा ये बात। वैसे तो कोई महंगाई ना है, ये महंगाई है जो माल खराब होता है, खेतों में खराब हो रहा है, भाड़े में महंगाई है, इसलिए ये महंगाई है। और किचन तो महंगा हो गया, इस टाइम तो काफ़ी बढ़े हुए हैं। अच्छा। किस किस चीज़ पे दाम बढ़ गए? काफ़ी, जैसे टमाटर हो गए, घिया हो गई, तोरी हो गई, मतलब कोई सब्जी 60 रुपये किलो से नीचे है ही नहीं। अच्छा। सब्जियों के दामों को लेकर क्या क्या? मैम दामों क्या बस पूछो मत, बहुत बुरी हाल है। किस किस चीज पे दाम बढ़ चुके हैं? हर चीज पे दाम बढ़ गए, प्याज पे, टमाटर पे, आलू पे, हर चीज पे। हाँ जी, टमाटर महंगा हो जाएगा। कैसे? कम से कम 100 रुपये से ऊपर हो जाएगा हर सब्जी। क्यों भैया? बारिश के कारण। अच्छा। जी, किस चीज का कितना कितना दाम बढ़ने वाला है? किस किस चीज पे असर पड़ने वाला है बारिश का? सब चीज पे, आलू, बैंगन, भिंडी, जो भी है, धनिया उनिया तो 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। हाँ जी, जो कि 30 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा था, जो अभी 200 रुपये किलो के हिसाब से। तो इन सारी सब्जियों का और दाम बढ़ सकता है आने वाले समय? हाँ जी। फिर सब्जियों के दामों को लेकर आपका क्या कहना है? हमने सुना टमाटर का रेट सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। जी, ये तो इन दिनों में हो ही जाता है मैडम जी, बारिश का मौसम है, बाहर से माल नहीं पा रहा। कब तक रहेगी ये चीजें, मतलब कब तक? कम से कम महीना भर। महीने भर तक सब टमाटर 100 रुपये किलो में बिकेगा? नहीं, 70 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा। जी जी, वो भैया ये तो मंडी की बात है ना, बाहर तो जनता को 100-150 रुपए। तो ठीक है ना, वहाँ 30-40 हज़ार रुपए की दुकानें भी तो ले रही हैं, किराए पे रेंट पे ले रखी है, तो उनका किराया कहाँ से आएगा? ठीक है, दामों पे क्या कहें, गरीब आदमी तो इसे गुजारा ही नहीं हो पाएगा। इतना टमाटर 70 रुपए यहाँ पे मंडी में चल रहा है, तो बाहर क्या रेट चल रहा होगा, कैसे गुजारा चलेगा गरीब आदमी का? सर सब्जियों के दामों को लेकर आपका क्या कहना है? सब्जी तो इस समय बहुत महंगाई चल रही है। किस किस चीज़ पे दाम बढ़ गए? टमाटर बहुत महंगा हो गया, और हर एक सब्जी जो हरी सब्जी थी सब बहुत महंगा ही हो गया। मैडम सब्जियों को दामों लेकर तो ये बात है, माली पीछे से नहीं आ रही, खेतों में पानी भर रही है। अब पानी खेत में भरा रहेगा तो सब्जी कहाँ से आएगी? बता, अब तो फिर महंगी होनी। मैडम पहले जो 100 रुपये लगता था, आजकल 200 रुपये लग रहे हैं, डबल सब चीज महंगी हो गई। टमाटर तो आप देख रहे हैं 50-60 रुपये, 100 रुपये किलो लगभग में जा रहा है। महंगाई में हम गरीब लोग को क्या क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, बताइए। क्या कितना असर पड़ रहा है भैया आपकी जेब? बहुत पड़ रहा है मैम, जो बताया आप हमारे सामने ड्राइवर साहब ने वही पड़ रहा है। हम तो और भी जब हम तो खलासी आदमी, हमारा तो और भी कमा रहे हैं, 14,000 रुपये महीना वहाँ जा रहा है, 15,000 रुपये बताओ जितनी कमाई ने उससे ज़्यादा चले जा रहा है। टमाटर के दामों को लेकर आपका क्या कहना है? बढ़ते टमाटर के दामों को लेकर कब तक ये चीज़ें रहने वाली हैं, आम जनता कब तक उनकी जेब पर ये असर पड़ता रहेगा? मैम ऐसा है, बारिश बंद करा दो टमाटर मंदा हो जाएगा। अच्छा। जी बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टमाटर की, जब जब बारिश होती है जब जब इसके रेट ऊपर को आते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लगता है कब तक? एक महीने तक टमाटर महंगा रहेगा, एक महीने तक पूरा परफेक्ट, ना नीचे ना ऊपर।
ऐसा मैम पीछे बरसात हो रही है, बाढ़ आ रही है, बाढ़ के कारण माल नहीं आ पा रहा आगे। अब आपने देखा 2 घंटे पहले बारिश हुई, अब इसके कारण जो रास्तों में पानी भर चुका है तो माल की लोडिंग है वहीं रुक जाएंगी, तो इसके कारण आगे माल नहीं पहुंचेगा, इसके दाम ऊपर को जाएंगे 100 रुपये किलो। और कल मार्केट में 120 रुपये किलो बिक गया टमाटर, हम अब भी 60 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो क्या महंगा मैम। आज तो मंदा है टमाटर, हमारे लादी मंदा हो गया। बताइए सर, सब्जी के दामों से आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? महंगी तो है, कितनी महंगाई हो गई? ज्यादा है सर। हमने सुना है कि 1 महीने तक टमाटर का दाम और बाकी सब्जियों का दाम ऐसा ही रहने वाला है, तो बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा। सरकार जो चाहे वो करे, पर सर इसमें सरकार की क्या गलती? बारिश की वजह से तो बारिश तो हर साल होती है, जो स्टॉक क्यों बना हुआ है? स्टॉक में करके रख दिया जाए और सामान आ जाए मार्केट में आदमी आम आदमी को, जिससे 60 रुपये किलो उसको सरकार 40 रुपये किलो बिचवाए, जो उसमें नुकसान होता है बिजली का उसमें कवर करे। सर ये हाल 1 महीने तक ऐसे ही रहने वाला है, इसको कैसे तो होगा? आदमी खाएगा, जहाँ 1 किलो लेता था वहाँ 1 पाव लेगा, बस इतना ही फर्क होगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे जनता से जानने की कोशिश की, हमने खरीदारों से साथ साथ दुकानदारों से ये जानने की कोशिश की कि कब तक ये मुश्किलें आम जनता को उठानी पड़ेंगी, कि कब तक इन सब्जियों का दाम कम होगा। उनका कहना है कि आने वाले 1 महीने तक ये दाम ऐसे ही रहने वाले हैं। मैं प्रियंका चावला, कैमरामैन वरुण बघेल के साथ ओखला मंडी दिल्ली।